हेलो बेटा, सुबह हम लोगों ने बेटा जी अपना लाइव क्लास में टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था बेटा जी, हमने पढ़ना शुरू किया था एंजियोस्पर्म के बारे में। और एंजियोस्पर्म की जो चीज हमने बेटा जी पढ़ना शुरू किया था, वहां पे आप लोगों ने जान लिया था कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका नाम है बेटा जी स्टेमन, उसका जो टिप्पे पार्ट था उसका नाम था एंथर। और एंथर का स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया कि वो होता है बाइलोब्ड डाइथीसियस टेट्रास्पोरोजिनेट। जब हमने उसके अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ना चाहा तो हमने आपको बताया था कि उसमें चार लेयर हैं अलग अलग नाम की। आपने कहा सबसे बाहर जो एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसका नाम है एपिडर्मिस, उसके अंदर जैसा ही आएंगे तो एक अलग एक लेयर आएगा उसका नाम होगा एंडोथीशियम, और फिर और अंदर आएंगे तो लेयर बनेगी बेटा जी मिडल लेयर, और जो इनरमोस्ट लेयर है बेटा जी वो है यहाँ पे टैप्टम। तो फोर डिफरेंट टाइप, मैं टाइप की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा जी। ओके, फिर आप लोगों ने एक बात बोली कि सर अंदर एक सेल होती है उसका नाम होता है स्पोरोजिनस सेल, वो एक डिप्लॉइड सेल है, वो सेल अपने आप को माइटोसिस से डिवाइड करेगी तो बहुत सारे डिप्लॉइडी सेल बनेंगे यहां पर, उन सेल्स का नाम होगा एमएमसी, मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल। उन माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा तो पैदा होगा बेटा जी माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट जो आगे डेवलप होकर गिव राइज करेगी बेटा जी मेल गैमेटोफाइट का। तो कैसे क्या होगा वो बातें हम आपके साथ शुरू करते हैं। देखिएगा बेटा जी, आपने कहा यहां पे सर सेल है, यहां पे सबसे पहले अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस के अंदर बेटा जी हुआ आपका माइटोटिक डिवीजन, तो बनी बेटा सेल, उसका नाम था एमएमसी, फुल फॉर्म आप लोगों ने लिखी माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस एमएमसी के अंदर हुआ बेटा जी मियोसिस, और मियोसिस होके सेल जो पैदा होती है वो है बेटा जी माइक्रोस्पोर टेट्राड, कि भाई चार माइक्रोस्पोर यहां पे पैदा हो गई है। अब एक बात समझना बेटा जी, आप लोगों को मैंने जब डायग्राम बनाया था तो मैंने ये कहा था चार लेयर होती है, जो इनरमोस्ट लेयर है उसका नाम है टैप्टम। तो मैं यहां पे बातें करूंगा व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ द टैप्टम, टैप्टम के क्या क्या फंक्शन है। तो जैसा आप लोगों ने मैंने पाइनस में आपसे कहा था, सबसे पहले बेटा जी इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर यहां पे डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन देने का सारा काम कौन करती है, टैप्टम करती है। अब एक और बात को समझना है यहां पे, ये माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड है, मैं उसके डायग्राम को आपको समझा रहा हूं, ये उसका न्यूक्लियस बना रहा हूं मैं सेंटर में। एक्चुअली क्या होता है, जरा गंभीरता से बात को समझना, ये जो एमएमसी की सेल होती है बेटा जी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है, इसके बाहर एक पॉलीसेक्राइड की लेयर होती है प्रोटेक्टिव, उस लेयर को बोलते हैं बेटा जी कैलोज, इट्स ए पॉलीसेक्राइड। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो एक पॉलीसेक्राइड की बनी हुई प्रोटेक्टिव कवरिंग है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाहर, और उस कवरिंग का नाम क्या है, कैलोज। अब आपने कहा सर मियोसिस हुआ तो चार माइक्रोस्पोर बने, बट बाहर तो प्रोटेक्टिव कवरिंग कैलोज है, तो ये तो एज इट इज मेंटेन रहेगी। तो मैं कहूंगा एक्चुअली ये माइक्रोस्पोर चार जो बने हैं दे फॉर्म विद इन द कैलोज कवरिंग, ये हमेशा जब भी बनेंगे किसमें बनेंगे बेटा जी, यहां पे ये कैलोज की कवरिंग के अंदर ही बनेंगे। मुस्कान जी ये कैलोज की कवरिंग के अंदर ही बनेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मैं कहूंगा ये बाहर है कैलोज, मैं सेलुलोज नहीं लिख रहा हूं, मैं कैलोज लिख रहा हूं, स्पेलिंग में पारस कोई मिस्टेक नहीं है, कैलोज। इट इज ऑल्सो ए पॉलीसेक्राइड जो यहां से बाहर से इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। किनको, ये एमएमसी की सेल पे था तो जब इसमें म्यूसिस हुआ तो चार सेल जो नहीं बनी वो भी उसी में ही इंक्लोज है। अब पॉइंट आएगा दिमाग में, सर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, चार माइक्रोस्पोर बन गए, अब ये यहां से रिलीज कैसे होंगे, निकलेंगे कैसे, ये तो बाहर से एक मेम्ब्रेन से कवर है। बात आप समझ में आती है आपके यहां पे, तो मैं कहूंगा टैप्टम की जो मेम्ब्रेन है ये रिलीज करती है सीक्रेट
कैलेज एंजाइम। और क्या हुआ यहां पे, इसने बेटा जी एंजाइम निकाला कैलेज। तो एज यू ऑल नो एंजाइम क्या करेगा, इस कैलोज को डिग्रेड कर देगा। कैलोज को अगर डिग्रेड कर देगा तो क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर लिबरेटेड हो जाएगा। तो कोई पूछे विच एंजाइम हेल्प इन लिबरेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर टेट्राड, विच एंजाइम हेल्प इन लिबरेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर टेट्राड, तो आंसर है आपके सामने कैलेज। कैलेज इज द एंजाइम दैट हेल्प इन द लिबरेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर टेट्राड, आंसर आपके सामने आया। अब क्या होगा, मैं कहूंगा बेटा जी माइक्रोस्पोर जो है इसके बाहर प्रोटेक्टिव लेयर डेवलप होगी। तो अब जरा फंक्शन समझो बेटा जी, टैप्टेम का अगला फंक्शन, इट सिक्रीट यूसिच ग्रेन्यूल दैट आर फिल्ड विद स्पोरोपोलिन। इसने बेटा जी ग्रेन्यूल को सिक्रेट किया, प्रीति गुड़िया ईशा गुड़िया उसने ग्रेन्यूल्स को सिक्रेट करो, ग्रेन्यूल के अंदर जो है बेटा जो भरा हुआ है स्पोरोपोलिन। तो जरा समझिएगा यहां पे बेटा जी रिलीज किए गए यूसिच ग्रेन्यूल। तो आप कुछ ऐसा कह सकते हो सर ये अगर माइक्रोस्पोर था मतलब है और इसके बाहर ऐसे सर छोटे छोटे सैकलाइक स्ट्रक्चर जिनमें यूसिच जिनका हमने नाम रखकर इनके अंदर बेटा जी स्पोरोपोलिन भरा हुआ है वो रिलीज किए गए, वो ऐसे माइक्रोस्पोर के बाहर लिबरेट हो गए। तो सर क्या हुआ, मैं कहूंगा भाई तो ये तो था आपका माइक्रोस्पोर, इसके बाहर ये सारे ग्रेन्यूल फ्यूज हो जाएंगे तो मैं कहूंगा बाहर ऐसे एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, और प्रोटेक्टिव लेयर जो बाहर बनेगी वो होगी एक्जाइन। तो निधि जी आपके पास एक क्वेश्चन बन गया, एक्जाइन इज फॉर्म बाय विच लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम के किस लेयर ने एक्जाइन बनाया, तो आंसर आपके सामने टैप्टम का ही फंक्शन है कि वो एक्जाइन को बनाता है। एक्जाइन इज मेड अप ऑफ, तो आंसर आपके सामने एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, एक्जाइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। एक्जाइन को बनाने वाला कौन है, तो आपके सामने आंसर है ये सर टैप्टम ने सिक्रीट किए थे, क्या यूसिच ग्रेन्यूल जिनके अंदर भरे पड़े थे बेटा जी स्पोरोपोलिन, आंसर आपके सामने है, ये ऐसे बन के तैयार हो गए। चलिएगा अब अगला काम क्या होता है, मैं यहां से हटा रहा हूं बेटा जी, तीन फंक्शन आपने जान लिए टैप्टम के, और भी फंक्शन आएंगे जो आपको समझने हैं धीरे धीरे। अब पॉइंट आता है अगला क्या है, यहां पे सर आगे क्या होगा, तो मैं कहूंगा आगे काम होगा कैरियोकाइनेसिस। तो क्या होगा सर, ये जो सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, कैरियो वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब ब्रेकडाउन डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, तो सर एक न्यूक्लियस के दो बन गए, ठीक है। अब होगा सर यहां पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, तरुण जी अब होगा अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो आप साथ साथ एक्जाइन को बनाते रहो कि ये भार जो बन रही है वो एक्जाइन है जो मैं रेड कलर से यहां इंडिकेट कर रहा हूं, तो सेम बातें आपने कहा सर ये जो सेल है उसमें ये जो एक सेल थी उस सेल के आसपास सेलर कंटेंट इकट्ठा हो गया, एक छोटी सेल बन गई, एक बड़ी सेल में ये जो छोटी सेल बनी ये है सर जर्नेटिव सेल। कैसे बनती है बता चुका हूं मैं आपको, वैसे बन रही है जैसे कि आपने पहले पढ़ चुके हो, ये है वेजिटेटिव सेल, दो सेल बन गई, बताया था ना मैंने एक बड़ी सेल है उसमें पहले न्यूक्लियस टूटे दो बने, फिर एक न्यूक्लियस के आसपास सेल इकट्ठा हो गया सेलर कंटेंट और एक मेम्ब्रेन अलग से बन गई और सेल इस बड़ी सेल में एक छोटी बन गई, वो छोटी सेल है बेटा जी यहां पे जर्नेटिव सेल। तो याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, जर्नेटिव इज स्मॉल सेल फॉर्म मेल गैमेट,
वंशिका जी आप थोड़ी सी बात स्पेसिफाई कीजिएगा, आपको आपने ही एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि सर जर्नेटिव सेल और बॉडी सेल अगर दोनों ऑप्शन में हो तो हम किसे कहेंगे, तो मैंने कहा था जिम्नोस्पर्म में मेल गैमेट बनाती है बॉडी की सेल, जर्नेटिव सेल डिवाइड होकर बनाती है बॉडी सेल और बॉडी सेल बनाती है मेल गैमेट, पढ़ा था हम लोगों ने। बट यहां मैं कहूंगा मेल गैमेट डायरेक्टली किससे बनेगा, जर्नेटिव सेल से बनेगा, और पोलन ट्यूब जो बनाएगा वो बनाएगा वेस्टेटिव सेल। अब यहां पे एक और बात आती है, कई बार आपसे न्यूक्लियस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो न्यूक्लियस को समझना, जर्नेटिव सेल का न्यूक्लियस न्यूक्लियस इज स्पिंडल शेप, उसकी शेप आपको याद रखनी हो, शेप कैसी है बेटा जी यहां पे स्पिंडल शेप, आई थिंक आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं चेंज कर देता हूं चीजें, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसका जो न्यूक्लियस है वो है बेटा जी स्पिंडल शेप न्यूक्लियस। और वेस्टेटिव सेल जो है इसके बारे में अगर मैं दो बात कहूं तो मैं कहूंगा ये लार्ज सेल है, फॉर्म पोलन ट्यूब, इसका न्यूक्लियस होता है इरेगुलर न्यूक्लियस। दोनों सेल्स के फीचर अलग अलग हैं, कैसे अलग अलग है आपको समझना है, ये बेटा जी लार्ज सेल है, ये फॉर्म करती है पोलन ट्यूब को, और इसका न्यूक्लियस है बेटा जी रेगुलर, ये चीजें आपको समझनी है। यहां तक बात हो गई, भार नो डाउट तरुण जी भार क्या बैठी है, इसके बाहर एक्जाइन बैठी हुई है, मैं रब करता हूं फिर आपके वहां से डायग्राम शुरू करते हैं। चलिएगा अब एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है, 60% जो एंजियोस्पर्म हैं उनमें टू सेल्ड के पोलन ग्रेन का पोलिनेशन होता है, और जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगा ये आफ्टर लैंडिंग ऑन द फीमेल कार्पल पे लैंड करने के बाद पोलन ट्यूब बनते टाइम पे होगा सारा काम, बट 40% में ये काम बिफोर द पोलिनेशन होता है। तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहां पे, लिख देते हैं, साइड से शुरू करते हैं, इन 60% एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन गेट पॉलिनेटेड इन टू सेल स्टेज, एंड इन रिमेनिंग एंजियोस्पर्म थ्री सेल पोलन गेट पोलिनेटेड। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, बड़ा जरूरी है आपके लिए, बट आपको मैं कहानी समझाता हूं कि कैसे कैसे थ्री सेल बनने वाले। तो देखिएगा जरा, आपने कह दिया बेटा कि सर ये हमने इस तरह का डायग्राम पढ़ लिया, लेबलिंग कर देते हैं आपके लिए सब चीजों की, देखो मैं कहूंगा सबसे पहले ये है एक्जाइन, इसके अपनी खुद की जो कवरिंग है आप पहले भी नाम पढ़ चुके हो, ये है बेटा जी इंटाइन, ये बड़ी जो सेल है बेटा जी ये है वेजिटेटिव सेल, ये जो है ये है बेटा जी जर्नेटिव सेल, और ये जो हिस्सा जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक्जाइन अब्सेंट है, ये वाले पार्ट का नाम है बेटा जी जर्म पोर, जहां से पोलन ट्यूब अराइज होगी, वैसे ही बात है जो आप पहले पढ़ चुके हो। सर ये तो है टू सेल्ड का स्ट्रक्चर, एक जर्नेटिव है एक वेस्टेटिव है, जर्नेटिव छोटी है वेस्टेटिव बड़ी है, ये सब बातें हमने जान ली, बट उसके बाद क्या होता है उसको जरा समझो। जर्नेटिव सेल डिवाइड, जर्नेटिव
तो क्या होगा? सर ये हम अगर डायग्राम को समझे तो ये हमारे इंटाइन हैं, वही सेम लेबलिंग करते हैं, ये क्या है बच्चा आपकी एक्जाइन है, ये क्या है बच्चा आपकी इंटाइन है, ये क्या है बच्चा आपकी वेजिटेटिव सेल है, ये उस वेजिटेटिव का न्यूक्लियस है, और पारा जी ये है, सॉरी मेल गैमिट। कोई पूछे सर कैसे मेल गैमिट है, तो आंसर देना मेरे भाई नॉन मोटाइल। यहां कहीं भी आपको मोटाइल गैमिट दिखाई नहीं देंगे, साइकस में थे मोटाइल थे, जिंकॉप्सिडा में मोटाइल थे, बट यहां नॉन मोटाइल है। वहां पे आपने पाइनस में कहा था नॉन मोटाइल है, जेंटम में कहा था नॉन मोटाइल है, बट आप यहां कहोगे यहां कैसे है बेटा जी नॉन मोटाइल है, टिपिकल एंजियोस्पर्म का स्ट्रक्चर है, आप कहोगे मेल गैमिट नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो है बेटा जर्म पोर, ये है फाइनल गैमिटोफाइट, इसका नाम है पोलन ग्रेन। इसका नाम है मेरे भाई पोलन ग्रेन, इसका नाम है पोलन 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 ग्रेन, आपके सामने है मेरे भाई, आपके सामने है जो कुछ बात हो। आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां पे। अब मैं कुछ बातें इसमें ऐड करता हूं, इस डाटा को जोड़ लेना, 60% के अंदर ये काम हुआ है ड्यूरिंग द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आफ्टर द पोलिनेशन, और 40% में बिफोर द पोलिनेशन हुआ ये स्टेप। तो मैं कहूंगा ये वाला स्टेप वेरिएबल है, 60% में आफ्टर द पोलिनेशन, 40 में बिफोर द पोलिनेशन। डाटा क्लियर है आपके सामने, ओके। अब आपने टेप्टम के फंक्शन पढ़े, क्या क्या पढ़े, टेप्टम से न्यूट्रिएटिव है, जो भी पोलन ग्रेन डेवलप हो रहा है उसे न्यूट्रिशन चाहिए थे, वो न्यूट्रिशन देने का सारा काम आपके टेप्टम ने किया, बिल्कुल सही बात सर। जो हमारे टेप्टम ने थी उसने कैलेज एंजाइम निकाला और उसने कैलोस को डिग्रेड किया ताकि माइक्रोस्पोर वहां से लिबरेट हो सके, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा सर यहां पे जो एग्जाइन बनी है ये भी टेप्टम ने बनाई, बिल्कुल सही बात है। अब एक और फंक्शन की बात करते हैं, वो फंक्शन क्या है, चौथा टेप्टम फॉर्म पोलन किट अराउंड पोलन ग्रेन। अब आप कहोगे सर पोलन किट ये क्या है, सोचो यहां पे पोलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट भी होगा। अभी तक आपने जिम्नो में कहा कि सर पोलिनेशन जो होता है वो ओनली थ्रू द एयर होता है, ठीक बात थी, बट यहां पे पोलिनेशन ऑल्सो होकर थ्रू द इंसेक्ट, और अगर एक इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन होना है तो डेफिनेटली डेफिनेटली उस पोलन ग्रेन को इंसेक्ट से चिपकना पड़ेगा, और अगर उसे इंसेक्ट से चिपकना पड़ेगा तो मतलब पोलन ग्रेन को स्टिकी बनना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा पोलन ग्रेन के बाहर एक स्टिकी लेयर होती है, एक स्टिकी कोट होती है एग्जाइन के बाहर जो इंसेक्ट से चिपक जाती है। तो मैं कहूंगा पोलन किट स्टिकी सराउंडिंग अराउंड द पोलन ग्रेन सो दैट कि वो इजिली चिपक जाए पोलन ग्रेन किससे, इंसेक्ट से। तो मैं कहूंगा ये उन्हीं में होगा जिनमें पोलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट होगा, अगर पोलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट नहीं होता है तो पोलन किट अब्सेंट होगी। ये पॉइंट याद रखना है, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है पारस, बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। पोलन किट बनाएगा टेप्टम बनाएगा, बट ओनली जो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेटेड है उनके केस में, जहां इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन नहीं होना वहां जो एयर के थ्रू होना है पानी के थ्रू होना वहां क्यों बनाएगा, क्यों बनाएगा, लॉजिक नहीं है बनाने का, तो नहीं बनाएगा वहां पे आपका।
बट जहां इंसेक्ट के थ्रू होना है उसे स्टिकनेस देने के लिए डेफिनेटली वहां पे क्या होगा बेटा जी, आपका पोलन किट होगा। तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द टेप्टम जो आपको समझना है। चलिएगा, अब एक पॉइंट को समझो बेटा जी, मैंने आपको डायग्राम समझाया तो उस डायग्राम को समझो जरा। आपने ऐसा डायग्राम बनाया था बेटा जी, आपने कहा सर ये है एपिडर्मिस जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक बात है सर, इसके अंदर प्रेजेंट है ये दूसरी लेयर, इसका नाम है एंडोथीशियम। ठीक है सर, इसके अंदर तीसरी लेयर है और हम कहते हैं बेटा ये जो लेयर है तीसरी, यहां जो सेल्स की बनी हुई है ये तीसरी लेयर है बेटा जी, मिडल लेयर। अब आती है चौथी बात, ये है फोर्थ लेयर जिसे आपने कहा टेप्टम। टेप्टम के आपने बहुत सारे फंक्शन जान लिए, बट कलेक्टिवली अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पे इनका फंक्शन क्या है तो आप कहोगे प्रोटेक्शन देना प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, एपिडर्मिस यूनिलेयर होती है, ये भी एक ही लेयर की बनी होती है, ये होती है 1, 2, 3 लेयर, और टेप्टम भी होती है बेटा जी आपकी यहां पे यूनिलेयर। ये सब बातें मैंने आपको बता दी, अब जरा अगले वर्ड को समझो। अब अंदर आपने कहा था सर स्पोरोजिनस सेल थे, उन्होंने एमएमसी बना दिया। अब जरा इन चीजों के फंक्शन समझाता हूं मैं आपसे। जो मिडल लेयर होती है इसका काम होता है अपने अंदर न्यूट्रिशन को जमा करना, और ये जब यहां पे पोलन ग्रेन मैच्योर होना शुरू होगा तो मिडल लेयर अपने सारे न्यूट्रिशन दे देगी बेटा जी टेप्टम को, ताकि टेप्टम को न्यूट्रिशन मिले और टेप्टम आगे वो न्यूट्रिशन बेटा जी पोलन ग्रेन्स को दे और अपने डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके। तो मैं कहूंगा बेटा जी मिडल लेयर अपना सारा जो भी स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो दे देगी, हैंड ओवर कर देगी, सिक्रीट कर देगी, रिलीज कर देगी किसको, टेप्टम को, और उसके साथ ही मिडल लेयर डीजर्नेट हो जाएगी। मतलब बनी तो है पर जब एक एंथर मैच्योर होगा, जब उसके अंदर एक पोलन ग्रेन मैच्योर होगा उस टाइम पे ये अपने सारा न्यूट्रिशन दे देगी किसको बच्चा, टेप्टम को, और अपना सारा न्यूट्रिशन टेप्टम को देके ये हो जाएगी डीजर्नेट। तो मैं कहूंगा मिडल लेयर ने अपना न्यूट्रिशन दे दिया बेटा जी टेप्टम को और मिडल लेयर हो गई डीजर्नेट। तो मैं यहां इस डायग्राम से अगर बातें करूं तो मैं कहूंगा मिडल लेयर गई डीजर्नेट हो गई। ये मैंने यहां से लॉस कर दिया साइना जी मिडल लेयर का, शिवानी जी, हिमांशी जी ये मिडल लेयर का, परमजीत जी ये मिडल लेयर यहां से लॉस हो चुकी है। कैसे लॉस हुई मैंने आपको बताया, उसने अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दिया किसको बेटा जी, टेप्टम को, और खुद खत्म हो। अब टेप्टम की सेल ने अपना फंक्शन परफॉर्म किया, उसने जो जो फंक्शन मैंने आपको अभी बताया कि उसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया, उसने कैलेज निकाला, उसने यहां पे यूपीसीज ग्रेन्यूल बनाए, उसने जो भी फंक्शन यहां परफॉर्म करने थे वो सारे फंक्शन परफॉर्म करके बेटा जी ये टेप्टम जी भी डीजर्नेट हो गई। अब आपने कहा सर लीजिएगा टेप्टम भी हमने डीजर्नेट कर दी, टेप्टम ने अपना खेल खेला और उसके बाद टेप्टम की सेल डीजर्नेट हो गई। ठीक बात है,
अब सर दो लेयर बची है, मतलब डायग्राम फाइनल ये बन चुका है। अंदर सर इस तरह से ये एक्साइन है, ये अंदर इंटाइन है, और ऐसे सर पोलन ग्रेन बन चुके हैं अंदर। सर ये अंदर ऐसे पोलन ग्रेन बन चुके हैं। तो मैं कुछ लिमिटेड सा नंबर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो। मैं सर नहीं बना रहा हूँ इनके बाहर एक्साइन, और ऐसे सर टैप्टम अपना खेल खेला टैप्टम ने, और पोलन ग्रेन बन के जब मैच्योर हो गए तो सर इस तरह से अब पोलन ग्रेन बन चुके हैं। सर पॉइंट आते पोलन ग्रेन बाहर कैसे निकलेंगे, तो मतलब एंथर को फटना पड़ेगा, तो डाइसेंस ऑफ द एंथर होगा, रैप्चरिंग ऑफ द एंथर होगा, और एंथर फटेगा तो ये बाहर निकलेगा। अब पॉइंट है ये बाहर कैसे निकलेगा, और पॉइंट हमें समझाना है, ये एंडोथीशियम जो है इट सिक्रीट सेलुलोज फाइबर। वंशिका जी इसने क्या सीक्रेट किए, सेलुलोज के फाइबर। तो मैं कहूंगा एंडोथीशियम डिजर्नेट हो जाती है सेलुलोज के फाइबर सीक्रेट करके। तो मैं कहूंगा अब यहां से एंडोथीशियम ना बोल के मैं कहूंगा यहां पे एक फाइबरस लेयर बन चुकी है, और कौन से फाइबर बेटा जी, सेलुलोज के फाइबर। तो जरा पॉइंट को समझना, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा पर आप समझ जाएंगे। यहां पे अब ऐसे सेलुलोज के फाइबर बन गए बेटा जी, क्योंकि ये जो बेटा जी एंडोथीशियम जो है ये सेलुलोज के फाइबर भी रिलीज करते थे, इसलिए हम इसके एक और नाम भी रखते हैं फाइबरस लेयर। पारस हमने इस लेयर का नाम बोला फाइबरस लेयर, क्यों, क्योंकि ये सिक्रीट करती है सेलुलोज के फाइबर, तो हमने इसका नाम रख दिया फाइबरस लेयर। अब जरा सोचिएगा सेलुलोज के फाइबर बेटा जी, पानी इनके अंदर भरा पड़ा है, सेल ने सिक्रीट किया है, यहां पे तो मैं कहूंगी वॉटर का करते हैं लोस, और वॉटर का जब लोस करेंगे तो ये जो फाइबर है ये अपने आप को श्रिंक करेंगे। जरा समझ के देखो, ये बाहर एपिडर्मिस है, इसके साथ अंदर लगे हुए सेलुलोज के फाइबर, जब सेलुलोज के फाइबर ने अपने पानी का लोस किया, वॉटर का लोस किया, तो क्या हुआ, ये सर पानी के लोस की वजह से श्रिंक होंगे। क्यों, क्योंकि पानी का लोस करे, पानी के लोस से श्रिंक होंगे। जब ये श्रिंक होंगे तो सर क्या होगा, ये इस एपिडर्मिस का ब्रेकडाउन कॉज करेंगे, और हमें दिखाई देगा ये सेलुलोज के जो फाइबर है ये श्रिंक करके ऐसे इस साइड मुड़ गए, और ये श्रिंक होके यूं हो गए श्रिंक, तो उसकी वजह से बेटा जी ये जो एपिडर्मिस है ये भी यहां से यूं श्रिंक हो जाएगी, यहां से यूं श्रिंक हो जाएगी, और ये बीच में बेटा जी एक ओपनिंग बन जाएगी जहां से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे। इस ओपनिंग का नाम होता है स्टोमियम, तो स्टोमियम इज ए पोर विद इन द एंथर थ्रू विच पोलन ग्रेन रिलीज। जहां से पोलन ग्रेन रिलीज होंगे मैं उस ओपनिंग को कह रहा हूं कि वो क्या बन गई बेटा जी, यहां पे आपका स्टोमियम बन गया, यहां से निकलेंगे। ऐसे ही एक यहां पे बनेगा बेटा जी, जिससे यहां के पोलन ग्रेन रिलीज होंगे बेटा जी। तो याद रखना स्टोमियम वो जगह है दैट फॉर्म ड्यूरिंग द डाइसेंस ऑफ द एंथर एंड दैट या द प्लेस फ्रॉम वेयर द पोलन ग्रेन गेट रिलीज। ये सारी कहानी इसके साथ ही बेटा जी, आपका एंथर का पूरा स्ट्रक्चर, एंथर के डिफरेंट लेयर का फंक्शन, और बेटा जी पोलन ग्रेन कैसे मेच्योर होता है, ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में, अगले लाइव क्लास में बातें करेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्या क्या बातें होती है वो बातें हम आपके साथ करेंगे। चलिएगा, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, प्लीज़ पढ़ते रहिएगा, आज आपका टेस्ट हो, टेस्ट आपको बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। चलेगा बच्चा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।